अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन जी के न्यूज़ पॉइंट पे आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमी भट्ट। इस वक्त हंदवारा में ज़बरदस्त जो है स्नोफॉल हो रही है, बर्फबारी फिर दोबारा से यहाँ पे शुरू होगी। मैं आपको विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हंदवारा से। जी नाज़रीन, इस वक्त हंदवारा में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है कि तमाम लोगों को हम यही, जिस तरह जिला तरक्याती कमिश्नर कफारा ने आज एडवाइजरी दी गई है कि उन्होंने ये कहा कि मचल टंडा रोड फिलहाल जो है गाड़ी की आमद रफ्त के लिए फिलहाल बंद किया गया है। जो फार्फन एरिया, चाहे हम अपर रिच की बात करेंगे, चाहे वडर की बात करेंगे, चाहे नवगाम की बात करेंगे, चाहे मचल टंडार की बात करेंगे, वहाँ पर भी लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। जब भी वादी कश्मीर में बर्फबारी होती है तो जो फार फ्लंग एरिया होती है तो वहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी भी हो सकती है। वहाँ को लोगों के लिए यही एडवाइजरी है कि वो एहतियात करें ताकि उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ये मैं लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हंदवारा से मैं आपको लाइव विजुअल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी अजान चल रही थी तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं बात करूं। फिर से मैं लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह हंदवारा राजवाड़ा इलाके की मैं विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जिला तरक्याती कमिश्नर कफारा ने आज हंदवारा का दौरा किया, तफसीली दौरा किया। उसमें कहीं जो PHE महकमा है, चाहे PDD महकमा है, चाहे अस्पताल हंदवारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करेंगे, ये चलदारा का भी दौरा किया है। साफ तौर जब जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ बात की है तो उन्हें साफ तौर इसमें यह कहा कि तमाम लोगों को वो जो फार फ्लंग एरिया, चाहे मच्छल टंडा और केरन की बात करेंगे, उन लोगों के लिए यही एडवाइजरी है फिलहाल जिला इंतजामिया की तरफ से, वो एहतियात बरते कि जो फार फ्लंग एरिया वहाँ पे काफ़ी जो है स्नोफॉल गिर सकती जो है जिस बा जो यहाँ पे वहाँ अगर हम टंडा और मच्छल केरन की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा जो है बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। अगर हम कहेंगे कल जो है सनमर्ग में जो एवरलार्ज आया है, स्नो एवरलार्ज आया है, कि यहाँ पे भी कहीं जो ऐसे इलाके हैं लोगों को एहतियात बरने की जरूरत है।
फिर से मैं ये लाइव विजुअल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह हंदवाड़ा राजवार से मैं लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते रहे जगह न्यूज़ पॉइंट।